एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, जीएसटी का कौन सा प्रारूप हम किस जगह पर यूज़ करते हैं, अपने स्टेट में जब हम लेन देन करते हैं तो हम जीएसटी का कौन सा प्रकार यूज़ करते हैं, अदर स्टेट में लेन देन करते हैं तो हम जीएसटी का कौन सा प्रकार यूज़ करते हैं, इट मीन्स जीएसटी से रिलेटेड सारे बेसिक्स इस क्लास में कवर किए गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को यदि आप कर लेते हैं, पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं, तो जीएसटी से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट जीएसटी का सॉल्यूशन इसमें है आपका। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तथा यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, बिकॉज हम आपको रुचिकर जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जीएसटी को कम्प्लीटली समझते हैं। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि भी मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी का परिचय, उसके कम्प्लीट कॉन्सेप्ट को आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है इंडिया में। जीएसटी आ जाने से एक देश एक कर की भावना हो गई है, बिकॉज जीएसटी से पहले इंडिया में गुड्स के लिए वैट तथा सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स यूज़ किया जाता था, बट जीएसटी आ जाने से हमें एक कर की ज़रूरत है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स के माध्यम से हम गुड्स तथा सर्विसेज दोनों को जीएसटी के द्वारा ही मैनेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हम देखते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। जीएसटी को मुख्य रूप से देखा जाए तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें मैंने एक टाइप इसमें बढ़ाया हुआ है, इसमें जीएसटी के 4 टाइप्स आपको दिख रहे हैं। ये जो आपका क्लासिफिकेशन चार्ट है आपका, इसमें जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। जीएसटी मीन्स हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके जो टाइप्स हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी और यूजीएसटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीजीएसटी एसजीएसटी का मिश्रित रूप है आपका आईजीएसटी, इसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, जो एक समन्वित रूप है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। यूटीजीएसटी आपका यूनियन टेरिटरी राज्य में रखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में आपका यूटीजीएसटी यूज किया जाता है। तो ये हो गए आपके जीएसटी के प्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फुल नेम्स हम देख लेते हैं। जीएसटी का फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल एवं सेवा कर, हिंदी में समझ सकते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, सीजीएसटी, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है या फुल नेम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय माल एंड सेवा कर। एसजीएसटी का फुल नेम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिश्रित रूप है आईजीएसटी। आईजीएसटी एक समन्वित है, दोनों एक में एकीकृत है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। अगला है यूजीएसटी और यूटीजीएसटी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, केंद्र शासित प्रदेश में यूटीजीएसटी से हम उसको डिडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी के रेट्स जो सरकार के द्वारा निर्धारित है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हम वैट यूज करते थे गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स, बट जीएसटी आ जाने से एक देश एक कर हो गया है, बिकॉज पूरे इंडिया के लिए यही रेट है आपका 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि आईजीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का एकीकृत रूप है, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित टैक्स रेट है
वो आपका है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यहाँ हमने विस्तृत तरीके से कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे इसलिए हमने सीजीएसटी के रेट को हमने सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड करके दे दिया है। चूंकि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है आपका वो इंट्रा स्टेट के लिए यूज होता है और आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो आप देखें आईजीएसटी रेट है आपका जो सबसे बेसिक रेट है 0%, मतलब जीएसटी लगता है उस पर बट उसका रेट जीरो होने के नाते टैक्स की कोई टैक्स वैल्यू नहीं होता है। आईजीएसटी 5% है, उसको अगर सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड किया जाए, अगर हम इंट्रा स्टेट काम करते हैं तो 2.5% सीजीएसटी लगेगा और 2.5 एसजीएसटी लगेगा। कहने का मतलब 50% केंद्र सरकार के लिए डिडक्ट होता है और 50% आपका राज्य सरकार के लिए डिडक्ट होता है। जो आपका आईजीएसटी होगा उसका 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी होगा। आईजीएसटी 12 अलग अलग कॉमोडिटीज पर अलग अलग उसका टैक्स रेट होता है। प्रोडक्ट वाइज अगर आपको टैक्स रेट जानना है तो आप गूगल पर जाकर के प्रोडक्ट वाइज रेट लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आईजीएसटी 12% है तो सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% होगा। आईजीएसटी 18% है तो सीजीएसटी आपका 9% और एसजीएसटी 9%। जैसा मैंने बताया कि आईजीएसटी का 50% सीजीएसटी तथा 50% एसजीएसटी होता है। 28% अगर आईजीएसटी है तो 14% आपका सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी होगा। यही इतने रेट्स हैं जो आपके पूरे इंडिया में लागू होते हैं। 28% जो बड़ी जो कार होती हैं, गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर्स हैं, कारें हैं या एसी वगैरह अगर आप खरीद रहे हो तो उस पर आपको 28% जीएसटी पे करना पड़ता है। 20 जो कारें होती हैं, स्मॉल कार या लग्जरी कारें होती हैं, उस पर आपका सेस भी ऐड होता है। सेस मतलब कर होता है जो 1% से 3% तक डिडक्ट किया जाता है। वो भी कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट होते हैं उस पर आपका सेस यूज होता है। तो आपने देखा कि TDS रेट्स क्या है, IGST रेट क्या है और CGST SGST रेट क्या है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने आपको बोला इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, तो हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में जानते हैं। इंट्रा स्टेट मीन्स होता है विद इन स्टेट परचेज एंड सेल्स। जब हम अपने ही स्टेट में लेन देन करते हैं, अपने ही पर स्टेट में परचेज और सेल्स करते हैं तो उसे हम इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल्स कहते हैं। इंट्रा स्टेट में जो आपका अपने ही विद इन स्टेट हम लेन देन करते हैं उस पर जीएसटी का जो प्रकार यूज होता है उसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी कहते हैं। यदि 5% आईजीएसटी है अगर अपने राज्य में ही आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 2.5% सीजीएसटी होगा और 2.5% एसजीएसटी डिडक्ट करेगा। एंट्री टाइम में हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लेजर बनाना होता है जिससे हम उसमें एंट्री को पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स आउट ऑफ स्टेट परचेज सेल्स। जब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, अपने राज्य से दूसरे राज्य में परचेज और सेल करते हैं तो उसे हम इंटर स्टेट परचेज एंड सेल कहते हैं। और जब हम इंटर स्टेट परचेज सेल करते हैं तो वहाँ हमें आईजीएसटी का लेजर बनाना होता है और एंट्री में हमें आईजीएसटी लेजर पोस्ट करना होता है, वाउचर में अपने आईजीएसटी पोस्ट करना होता है। इट मीन्स जब हम इंटर स्टेट सेल्स परचेज करते हैं तो हमें आईजीएसटी टैक्स को डिडक्ट कराना होगा, लिखना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। अगर हम इंट्रा स्टेट सेल्स परचेज करते हैं तो हमें दो लेजर बनाना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड जिसे जानना हमें बहुत जरूरी है। तो जीएसटी के जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम यहाँ आपको बताएंगे। जो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू हुआ। मैं आपको बता दूं टैली में जीएसटी लागू होकर के आया तो टैली का जो वर्जन लॉन्च हुआ था tally.erp9 6.0 वर्जन में जीएसटी इनबिल्ट होकर के आया था। नेक्स्ट हम चेक कर देखते हैं जीएसटी टैक्स का
कर का जो मॉडल तैयार किया गया था वो कनाडा से लिया गया था, कनाडा से ही उसका एक मॉडल, उसका फॉर्मेट लिया गया था। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य इंडिया में, जीएसटी बिल को पारित करने वाला जो प्रथम राज्य था वो असम था। बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लागू किसने किया और पारित, तो पारित सबसे पहले बिल जो पारित हुआ वो असम में हुआ, बट जो जीएसटी टैक्स लागू हुआ वो सबसे पहले तेलंगाना राज्य में जीएसटी टैक्स लागू हुआ। और जीएसटी टैक्स को लागू करने का सुझाव जो लिया गया वो विजय केलकर समिति के द्वारा, विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया गया। जीएसटी प्रारूप के जो जीएसटी का पूरा फॉर्मेट बना, उस प्रारूप के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता जी थे। असीम दास गुप्ता जी जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका गठन अनुच्छेद 279A के द्वारा किया गया, जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279A से। जीएसटी को पारित, डायरेक्टली कोई भी टैक्स पारित होता है तो चूंकि वैट से हट करके फिर जीएसटी लागू हुआ, तो 122वें संशोधन के तहत जीएसटी को पारित किया गया। जीएसटी अधिनियम जो लागू हुआ वो 101 के तहत, जीएसटी अधिनियम 101 के तहत किया गया। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली में ही जीएसटी परिषद का मुख्यालय है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं, जो भारत का वित्त मंत्री होगा वही जीएसटी बिल का अध्यक्ष होगा। जब जीएसटी बिल को लागू किया गया उसमें विशेष योगदान है अरुण जेटली जी का, माननीय अरुण जेटली जी के द्वारा ही जीएसटी को वहाँ बिल को पेश किया गया और वही उसके अध्यक्ष थे। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या कुल 160 है। 160 ऐसे देश हैं जहाँ पर जीएसटी लागू होता है और उन सब 160 देश में सबसे प्रथम विश्व का पहला देश जो था जहां जीएसटी को लागू किया गया था वो फ्रांस था। फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया। जीएसटी के तीन भाग हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जीएसटी के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जबकि हमने उसमें आपको चार बताया है। वो चौथा जो है वो यूनियन टेरिटरीज राज्यों के लिए किया जाता है, इसलिए उसको मैंने उसमें इन्वेल्ट करके दिखाया। तो जो इम्पॉर्टेंट है तीनों वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आपने देखा कि जीएसटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने इसमें दी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके जीके, करंट अफेयर जीके में आपके कोई भी एग्जामिनेशन है तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आपकी जानकारी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने कंप्लीट जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जीएसटी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बेसिक जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दिया। अभी हमारी कई क्लासेस होगी जीएसटी के लिए जिसमें हम डीपली आपको और जीएसटी से कैसे उसका लेजर बनाते हैं, कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे उसको हम वाउचर में पोस्ट करते हैं, किस आइटम के साथ कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट अपने टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना। मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें जीएसटी से रिलेटेड कंप्लीट बेसिक जानकारी हमने इसमें दे दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।